नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। देखिए, आज हम लोग जो लीव्स में जो डिफिशेंसी सिम्टम्स होते हैं ड्यू टू वेरियस न्यूट्रिएंट्स, तो उनको कैसे हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, तो आज देखेंगे। तो बेसिकली ये पार्ट वन है, इसके बाद भी बहुत सारे पार्ट आएंगे इस टॉपिक के। तो सबसे पहले है एपिकल बड। एपिकल बड में डिफिशेंसी होता है Ca&B का, मतलब कैल्शियम एंड बोरोन का। उसी प्रकार न्यू लीफ और अपर लीफ में होता है MnFeCu and S का। उस प्रकार ओल्डर लीफ या फिर लोअर लीफ में होता है NPK, Mg and Mo का। उस प्रकार बोथ लोअर एंड अपर लीफ में होता है Zn का। तो इन सबको हम लोग कैसे ट्रिक के माध्यम से याद कर लेंगे, बस कुछ ही मिनटों या फिर कुछ ही हाँ कुछ ही मिनटों में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं कोई भी सेंटेंस याद नहीं कराऊंगा, बस जैसे ही मैंने एपिकल वर्ड बोलूंगा वैसे ही Cn&B मतलब कैल्शियम एंड बोरोन वर्ड आएगा, क्लियर है। उसके बाद देखिए, ये एक चार्ट है, प्लांट न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी चार्ट। तो ये चार्ट भी आपको याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप वीडियो को अंत तक देखिए और तुरंत याद हो जाएगा। तो सबसे पहले है एपिकल बड। एपिकल बड में जो डेफिशिएंसी होता है वो है कैल्शियम एंड बोरोन। अब एपिकल बड में ऐसा क्या क्लू है या फिर ऐसा क्या छिपा हुआ है जिससे कैल्शियम और एंड बोरोन को कोरिलेट किया जा सकता है। देखिए, जब भी हम लोग कैल्शियम को लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, CaLCiUM, ठीक है। जब भी हम लोग कैल्शियम को लिखते हैं तो CaLCiOCiUM लिखते हैं। तो देखिए, एपिकल में भी इंड के तीन लेटर देखिए CaL है, इसको हाइड कर दे रहा हूँ। उसके बाद कैल्शियम में भी देखिए पहले के तीन लेटर देखिए CaL है, क्लियर हो गया। और इससे ये क्लू मिल गया और इससे कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा। उसी प्रकार उसके बाद है बी वर्ड है CaL के बाद बी वर्ड है। बी से आप कंसिडर कीजिए बोरोन को, तो इससे कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा, याद हो जाएगा और कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है ओल्डर लीफ। ओल्डर लीफ में जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं वो है NPK, Mg and Mo। तो कैसे याद करोगे, देखिए इसमें बहुत सारे सेंटेंस बन सकते हैं, जैसे कि नाना पाटेकर मांगे मोहम्मद ओल्ड लेडी से। तो मैंने शुरू में ही बोल दिया हूँ कि कोई भी सेंटेंस आपको याद नहीं करना पड़ेगा, बस जैसे ही मैं ओल्ड वर्ल्ड बोलूँगा तो तुरंत आपके दिमाग में आएगा कि NPK, Mg and Mo होता है, ठीक है। तो देखिए, ओल्ड का जो पहला लेटर देखिए ओ वर्ड है, ठीक है, ओ वर्ड है। तो अगर किसी भी न्यूट्रिएंट के सिंबल में अगर ओ वर्ड छुपा रहेगा, किसी भी न्यूट्रिएंट का अगर सिंबल में ओ वर्ड छुपा रहेगा तो 100% समझ लीजिए कि वो ओल्डर लीफ में करेगा डिफिशेंसी। जैसे कि एमओ मतलब मोलिब्डेनम में देखिए, इसमें देखिए ओ वर्ड छिपा हुआ है, ओ वर्ड है, ठीक है। उसी प्रकार मैग्नीशियम में भी देखिए Mg है। अगर हम लोग जी को अगर ऐसे लिखते हैं तो देखिए, ये जो अपर वाला पार्ट है और जो ये लोअर वाला पार्ट है ये खुद ही बता रहा है कि हम जीरो हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद है NPK। NPK को कैसे याद करोगे, देखिए NPK जो होते हैं ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं, ठीक है, ये प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते हैं। अब देखिए, कोई भी अगर हम लोग बड़ा काम करने जा रहे हों तो हम लोग का प्राइमरी एडवाइस किससे लेते हैं, ओल्ड पीपल से लेते हैं, जो घर में बुजुर्ग होते हैं उनसे हम लोग प्राइमरी एडवाइस लेते हैं कि ये काम करना चाहिए या फिर नहीं। देखिए, इससे कोडेट कर लीजिएगा, कोई भी हम लोग बड़ा काम करने जाते हैं तो किससे पूछते हैं, ओल्ड पीपल से एडवाइस लेते हैं प्राइमरी, ठीक है। उसके बाद है, अब ओल्डर लीप में जैसे कि बेंस रेमेन ग्रीन और बेंस आर येलो और डेड स्पॉट बन जाते हैं, तो कैसे याद करोगे, देखिए जो बेंस जो होते हैं वो ग्रीन हो जाते हैं मैग्नीशियम के कारण, ग्रीन रहते हैं। तो देखिए, ग्रीन का जो पहला लेटर देखिए जी है, उस वर्ग का मैग्नीशियम में भी जी वर्ड है, इससे कोरिलेट कर लीजिएगा। उसी प्रकार देखिए येल्लो, येल्लो किसके वजह से होता है, नाइट्रोजन के वजह से होता है। तो देखिए येल्लो और नाइट्रो, नाइट्रोजन को पूरा मत पढ़िए, बस नाइट्रो पढ़िए, तो ये लगभग येल्लो और नाइट्रो लगभग मतलब सिमिलर साउंड कर रहे हैं, येल्लो नाइट्रो मतलब लगभग सिमिलर साउंड कर रहे हैं, इसे कोरेक्ट करके याद कर लीजिएगा। उस पर डेड स्पॉट,
डेड स्पॉट बन जाते हैं एम ओ और के डेफिशिएंसी से। अब कैसे याद करोगे, देखिए जो देखिए जैसे कि ये कोई लीफ है, ठीक है, ये कोई लीफ है तो इसमें क्या बन जाता है, ऐसे गोल गोल डेड स्पॉट बन जाते हैं, ठीक है, ऐसे गोल गोल डेड स्पॉट बन जाते हैं। तो देखिए एम ओ में भी देखिए ओ वर्ड छुपा हुआ है, जो कि कैसे ओ मतलब ऐसे गोल गोल डेड स्पॉट बन जाते हैं, इससे कोरेक्ट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है न्यू लीफ, न्यू लीफ में जो डेफिशिएंसी न्यूट्रिएंट होते हैं वो है एम एन सी यू एफ ई एन एस, मतलब सल्फर। अब कैसे याद करोगे, देखिए न्यू लीफ का जो पहला लेटर देखिए वो एन है। अब किसी भी न्यूट्रिएंट का अगर सिंबल में एन वर्ड प्रेजेंट रहा, ठीक है, तो 100% वो न्यू लीफ में उसका डेफिशिएंसी शो करेगा। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है कि नाइट्रोजन को इसमें काउंट नहीं करना है, ठीक है, नाइट्रोजन को इसमें काउंट नहीं करना है। तो देखिए किसी भी एलिमेंट मतलब किसी भी न्यूट्रिएंट के अगर सिंबल में एन वर्ड प्रेजेंट रहा तो 100% वो न्यू लीफ में डेफिशिएंसी शो करेगा। जैसे कि मैं देखिए एन वर्ड छिपा हुआ है, एन वर्ड है, उसी प्रकार कॉपर, कॉपर में भी देखिए यू है, देखिए यू है, अगर इसको हम लोग सीधा करके ऐसे लिखिए तो ये खुद ही बता रहा है कि हम एन है, ठीक है। उसी प्रकार एफ ई, एफ ई का मतलब होता है आयरन, और आयरन को अगर इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं तो इंड में देखिए एन वर्ड आ रहा है। उसी प्रकार सल्फर, अगर सल्फर का हम लोग थोड़ा सा उलट है तो खुद ही बता रहा कि हम एन है, ऐसे खुद ही बता रहा कि एस, सल्फर का सिंबल होता है एस, अगर इसको हम लोग थोड़ा सा उलट देंगे ये खुद ही बता रहा कि हम एन है, ठीक है, क्लियर हो गया। तो किसी भी अगर न्यूट्रिएंट का अगर सिंबल में एन वर्ड प्रेजेंट रहा तो 100% वो न्यू लीफ में डेफिशिएंसी शो करेगा। उसके बाद है बेंस रिमेन ग्रीन इन न्यू लीफ, तो ये होता है एफ ई एन एम एन में। तो देखिए ग्रीन में ई वर्ड छिपा हुआ है, इस पर एफ ई में भी देखिए ई वर्ड छिपा हुआ है, उसकर मैग्नीशियम में भी एन वर्ड है और ग्रीन में भी देखिए एन वर्ड है, ठीक है, क्लियर हो गया। इससे ये क्लू मिल गया और इससे कोरिलेट कर लीजिएगा। उसके बाद है बेंस आर येल्लो, बेंस आर येल्लो होते हैं सल्फर एंड कॉपर की वजह से। तो देखिए जो प्योर जो सल्फर होता है वो हमेशा देखिए येल्लो कलर में मिलता है, पेल येल्लो कलर में मिलता है। जो प्योर सल्फर होता है वो हमेशा पेल येल्लो कलर में मिलता है, और जब प्लांट में भी जब न्यूट्रिएंट मतलब सल्फर की कमी हो जाती है तो बेंस क्या हो जाते हैं, येल्लो हो जाते हैं, ठीक है, इससे कोरिलेट कर लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है बोथ लोअर एंड अपर लिप, और ये तो यार सबको याद रहता है कि जेडन के कारण होता है, ये नॉर्मली सबको याद रहता है। तो ठीक है, बस आज के लिए इतना ही, और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।